तो हेलो एंड वेलकम अगेन दोस्तों। तीन दिन पहले तक ये शानदार सितंबर बहुत जबरदस्त चल रहा था। लोगों ने पूरा मंथ शायद पहले से ही तैयार कर लिया था, क्योंकि इस महीने दो ब्लॉकबस्टर जबरदस्त मूवी आनी थी, जिसमें से एक जवान तो 7 सितंबर को रिलीज हो रही है, लेकिन दूसरी द डायनासोर प्रभास की फिल्म सालार ये रिलीज होनी थी 28 सितंबर को। जस्ट तीन दिन पहले एक न्यूज निकलती है कि सालार हैज पोस्टपोन्ड। भाई साहब, तब से जो खलबली देखने को मिल रही है खतरनाक। जस्ट हाल फिलहाल में 5 दिन पहले जवान का ट्रेलर आया था, लेकिन उस ट्रेलर की हाइप गिरा दी इस न्यूज़ ने कहो या फिर अफवाह ने कहो। जी हाँ दोस्तों, सही सुना आपने, अफवाह। क्योंकि पोस्टपोन की ऑफिशियल खबर मेकर्स की तरफ से अभी आई नहीं है, ना सालार के पेज पर, ना होम वाले फिल्म्स की तरफ से कोई ऐसी सॉलिड अपडेट, ऑफिशियल अपडेट, कोई ऐसी न्यूज़ उनकी तरफ से रिवील नहीं करी गई है मेकर्स की तरफ से। तो अब आप कहोगे कि जब ऐसा कुछ हुआ ही नहीं तो इतने बड़े बड़े यूट्यूबर्स क्या झूठ बोल रहे हैं, या सभी लोग पागल हैं जो ये मान के चल रहे हैं कि सालार हैज पोस्टपोन्ड। बिल्कुल नहीं, सभी लोग अपनी अपनी जगह पर सही हैं, क्योंकि ये न्यूज़, ये अपडेट कहो या रिवील हुई है, ये ट्विटर में 2-3 ऐसे बड़े बड़े अकाउंट हैंडलर हैं जिनकी अधिकतर अपडेट ऑथेंटिक एंड ट्रू ही रहती है, और ये लोग प्रभास को लेकर बहुत ट्रू अपडेट ही देते हैं। मैं यहां नाम नहीं लूंगा उन लोगों का, लेकिन हां इतना कहूंगा कि यस, उनके द्वारा दी गई कोई भी न्यूज 95% ट्रू ही होती है, और 99% मैं भी मान के चल रहा हूं कि मूवी पोस्टपोन्ड हो चुकी है। 1% इसलिए भी नहीं मानने क्योंकि प्रशांत नील और होम वाले फिल्म्स की तरफ से अभी तक ऐसी कोई अपडेट नहीं निकली, तो मे बी 1% चांसेस है कि मूवी पोस्टपोन ना हुई हो, क्योंकि आफ्टर ऑल कुछ भी हो सकता है। हो सकता है प्रशांत नील सेफ खेलना चाह रहे हो, अभी कुछ थोड़ा काम साइड ट्रेलर में बचा हो, और 10 सितंबर से पहले पहले अगर ये फिनिश कर दें तो ट्रेलर सहित या 28 सितंबर को मूवी रिलीज कर ही देंगे, लेकिन काम फिनिश ना हो पाया तो पोस्टपोन की हाइप तो सेट कर ही दी है इन्होंने, जो ट्रेंडिंग पे चली रही है। तो आफ्टर ऑल देखा जाए तो ये बिल्कुल सेफ जोन में चल रहे हैं, तो कुछ भी हो सकता है। डेफिनेटली 1-2 दिन में ऑफिशियल अपडेट हमें मिल जाएगी कि क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा है सालार को लेकर। लेकिन मान लिया जाए कि मूवी वाकई में पोस्टपोन हो रही है, तो ट्रेलर अब देखने को मिलेगा कब? क्योंकि जस्ट ये पोस्टपोन वाली न्यूज से कुछ 5 या 6 दिन पहले होम वाली फिल्म की तरफ से निकला था कि सालार का ट्रेलर आने वाला है, तो सबने प्रिडिक्ट करा था या तो 4 सितंबर को आएगा या फिर 7 सितंबर को आएगा। तो कल 4 सितंबर निकल गई है और 7 सितंबर को टाइगर 3 का टीजर आना पक्का है, क्योंकि टाइगर 3 नवंबर में कब्जा जमा के बैठी है। तो एक सॉलिड प्रिडिक्शन ये हो रही है कि अगर सालार यहाँ पोस्टपोन हो चुकी है तो प्रशांत नील डेफिनेटली आजकल में ही सेकेंड टीजर अनाउंस कर देंगे, क्योंकि जो फर्स्ट टीजर आया था उसमें दिखाया कुछ नहीं गया था, प्रभास का कोई लुक नहीं था, बस लड़ते ही दिखाया गया था, वो भी करीबन 10-12 सेकंड का मोमेंट था। तो मे बी हो सकता है कि फैंस के लिए यहां कुछ तो रिलीज कर दें, ताकि फैंस का दिल भी ना टूटे, फैंस सालार से जुड़े भी रहें। और मैं कहूंगा प्रभास के लुक के साथ सेकंड टीजर अच्छी तरीके से, प्रॉपर तरीके से निकालना चाहिए प्रशांत नील को, जैसे जवान में निकाला था, पूरा एसआरके को फोकस करके वो बैंडेजेस वाला एसआरके निकाला था टीजर में, सेम वैसा कर सकते हैं प्रशांत नील भी प्रभास के साथ अपनी सालार मूवी को लेकर। लेकिन अगर मूवी पोस्टपोन नहीं हुई होगी ना, तो कसम से कह रहा हूं जो तबाही मचेगी इस बार, सालार भयंकर बिजनेस करके जाएगा। बाय गॉड, जवान के पास सिर्फ 21 दिन ही रहेंगे कमाई करने के लिए, क्योंकि 28 सितंबर के बाद फिर जवान किधर गया, किसी को भी थिएटर के कोने में तक नहीं दिखाई देगा। और मैं तो कह रहा हूं 28 सितंबर को ही आ जानी चाहिए सालार को, क्योंकि अभी पिछले 2-3 दिन से जो सालार की हाइप चल रही है, जो ट्रेंडिंग टॉपिक बना पड़ा है, इतना ज्यादा प्रमोशन मिल चुका है मूवी को कि इस मूवी को बॉक्स ऑफिस पर धमाका करने से अब किसी का बाप नहीं रोक पाएगा। बाकी मैं तो यही कहूंगा कि मूवी को चलो 28 सितंबर ना सही, लेकिन इन्हीं 1-2 महीने के अंदर रिलीज करना पड़ेगा, वरना मूवी की ग्रोथ में बहुत दिक्कत आ जाएगी। बाकी आप लोग का क्या कहना है कि मूवी वाकई में पोस्टपोन हो चुकी है या नहीं हुई है, हाँ या ना, फटाफट नीचे कमेंट बॉक्स पर अपनी राय जरूर शेयर करके जाना। बाकी मूवी रूबी और बॉक्स ऑफिस से जुड़ी सभी अपडेट्स के लिए, और बॉलीवुड, हॉलीवुड और साउथ फिल्मों की अपडेट्स के लिए हमारे साथ ऐसे जुड़े रहना, और अगर चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करना, दूसरा अंगूठे वाला बटन दबा के वीडियो को लाइक जरूर करना। मिलते हैं अगली वीडियो में, जय हिंद।